ऐसा राज्यों में कानून बनाने की बात हो गई है, लगातार विरोध हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है, क्या वाकई में? एक मिनट, एक देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा, इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए फिर आप। ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते, जीडीपी जीरो हो चुका है, आप उसके ताले से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। लव जिहाद को लेके जो कानून बनाने की, हम तो ये कह रहे हैं खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए, कितना हेटरेट पड़ेंगे। अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा, ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते, मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे, बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। आपके दोस्त गिरिराज सिंह नहीं, हमारे दो आपके दोस्त हैं वो। सर, यूपी के लॉ कमीशन चेयरमैन भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ना लाओ जिहाद लेके आ रहे हैं, मगर ड्राफ्ट अभी तैयार किया। मेरे भाई, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 21, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए कि चॉइस इज नाउ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना,